लंबे इंतजार के बाद मानसून ने मुंबई में एंट्री दे दी है। झमाझम बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है। तो वहीं निर्दलीय विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर शिवसेना पर निशाना साधा है। तो उधर राज्यसभा के परिणाम आने के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में उलटफेर हुआ है। मुंबई में मानसून ने आमद दे दी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भी लू में कमी आई है। उधर नासिक के त्र्यंबकेश्वर में एक ऑटो पर पेड़ गिर जाने से ऑटो चालक और सवारी की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग विशेषज्ञ ने कहा कि आने वाले 48 घंटों में कोंकण के कुछ हिस्सों और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। आज दिनांक 11 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई सहित कोंकण के अधिकांश हिस्से और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। आने वाले 48 घंटों में कोंकण के बाकी हिस्सों में और मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में मानसून को आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल है। कोंकण के कुछ हिस्सों और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आईएमडी मुंबई की वेबसाइट निर्दलीय विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने फडणवीस को हनुमान चालीसा की पुस्तक भेंट की। वहीं उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का सम्मान करने वालों की जीत हुई और अपमान करने वाले उद्धव सरकार की हार हुई। अभी तो ये झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में आए नतीजों में 6 सीटों में से भाजपा और एमवीए ने 3-3 सीटें जीती हैं। परिणाम आने के बाद शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में उलटफेर हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे, जिससे परिणाम पर फर्क पड़ा, लेकिन ये सरकार की स्थिरता को प्रभावित नहीं करेगा। जी का यशस्वी कारवाई केली त्याच्यात त्यांना यश आलं आणि त्यामुळं हा फरक पडलेला आहे। नाहीतर ही जी आघाडी आहे त्या आघाडीच्या एकंदर संख्येप्रमाणं त्यांना मतदान झालेलं आहे, याच्यात वेगळं काही नाही। जो चमत्कार झालेला आहे तो चमत्कार मला मान्य केलं पाहिजे की देवेंद्र फडणवीस यांची माणसं अपनीशी करणं विविध मार्गाने त्या मार्गात त्यांना यश आलं। सर, याचा सरकारच्या स्थिरतेवरती किंवा कॉर्डिनेशनवरती काय परिणाम होईल? काही परिणाम होणार नाही। तुम्ही कॅल्क्युलेशन बघा ना, ही सगळी संख्या बघितली तर सरकारला सरकार चालवायला जे बहुमत हवं त्याच्यात काही तुम्ही धक्का नाही। शिवसेना आणि काँग्रेस आणि कोट्यापेक्षा जास्त म्हणजे सुरक्षित म्हणून काही मतं त्यांच्या पहिले कॉर्डिनेशन आहे ते व्यवस्थित होतं की कॉर्डिनेशनमध्ये कुठे कमी पडलं? मला काही कमी पडलेली दिसत नाही। एकदम मतं इकडं तिकडं जागा घेतली पण जागा जायची घेतली ते 2 नंबरची जी आणि त्यावरती त्यांना मिळाली कोणती कुठली असं म्हणता येईल आपल्याला ती कुठली नाही असं आहे की राजकीय पक्ष